वेलकम गाइस। तो यार कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ हमारे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया से रिलेटेड एक गजब की न्यूज़ जो कि क्राफ्ट एंड कंपनी की तरफ से लॉन्च की गई है। तो मैं उसी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या गलतियाँ करने पर हमारी आईडी जो है हमेशा के लिए बैन हो सकती है, या 90 डेज़ के लिए बैन हो सकती है, या 3 डेज़ के लिए बैन हो सकती है। तो मैं आपको बताऊँगा, पूरी जानकारी दूँगा कि क्या क्या आपको नहीं करना अगर आप भी अपने बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के आईडी को बचाना चाहते हैं, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो भाई पूरी वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें मैं बताने वाले हूँ कि क्या क्या दिक्कतें आपको नहीं करनी है जिसकी वजह से आप दिक्कत में ना हो, ठीक है। तो आपकी आईडी बची रहेगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे। तो चलिए फिर वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो क्राफ्टन कंपनी है उसने रिलीज़ की है ये न्यूज़, ठीक है। वो उसने अभी कई सारी न्यूज़ की हैं लेकिन मैंने पार्ट में करके आपको बताने हैं। तो मैं ये आपको बताऊँ, पहली बात बताऊँ कि पार्शियलिटी करने पे या नेम के बारे में, ठीक है, इसके बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि कंपनी की नीति के अनुसार जो जाति हुआ, लिंग हुआ, राष्ट्रीयता आदि के आधार पर, ठीक है, दूसरों के प्रति अनादर या आपत्तिजनक शब्दों का यूज़ करने पर गेम में, ठीक है, बैन होने का कारण हो सकता है। इसके अनुसार गलत तरीके के निक नेम का इस्तेमाल, जैसे कि किसी कंपनी का नाम, ठीक है, किसी कंपनी के नाम का उपयोग, जैसे कि टाटा हो गए, बिरला हो गए, इन लोगों के कंपनी के नाम को लेकर भाई अपने गेम को खेलना या कुछ गलत करना, ठीक है, क्राफ्टन या उसके कर्मचारियों, जो क्राफ्टन कंपनी है उसके नाम को लेकर, या उसके अंदर जो काम कर रहे कर्मचारी हैं उनके नाम, या अलग अलग मतलब जैसे हो गए बड़ी कंपनियाँ उनके कर्मचारियों के नाम के साथ लेकर या नाम को चोरी करके खेलना, ये आपके बैन होने का कारण बन सकता है, ठीक है। और ख़ास कर बात कि जब आप अपना निक नेम चूज़ करेंगे तो दूसरे की निक नेम चोरी करके, जैसे कि भैया चिंकी है, ठीक है, तो आप उसी का हूबहू कर लें कि नहीं, उसका जैसे चिंकी 36 38 है तो आप चेंज कर लें कि भैया चिंकी 36 37, तो इससे दिक्कत हो जाएगी क्योंकि भैया चिंकी तो पहले आ चुका है। इससे आपको चैनल पे स्ट्राइक मिल सकता है क्योंकि आपको दूसरे के निक नेम को नहीं चोरी करना है। दूसरी मतलब उसके बाद आगे मैं आपको बताऊं कि कंट्री से रिलेटेड अगर नेम होगा, ठीक है, कंट्री से रिलेटेड नेम, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं जो पबजी लाइट या पबजी मोबाइल खेलते हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं कि इंडियन बाप, ठीक है, तो इंडियन गेमर फलान ठिकाना, ऐसे ही बहुत ज़्यादा कंट्री से रिलेटेड लिखते हैं, तो गोरखपुर का ये वो पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। तो उन ऐसा करने पे अगर पबजी मोबाइल में हुआ, पबजी मोबाइल कह रहे हैं, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में हुआ, तो आपकी आईडी को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। चलते अपनी दूसरी बात की तरफ। दूसरी बात ये है कि भाई ऑथराइज्ड हार्डवेयर एंड डिवाइस का यूज़ करने पे आप लोगों की आईडी को बैन किया जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। कंपनी की नीति के अनुसार, ठीक है, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में ऑथराइज्ड हार्डवेयर, ठीक है, ऑथराइज्ड हार्डवेयर और डिवाइस का इस्तेमाल करने पर यूजर को हमेशा के लिए बैन किया जा सकता है। जैसे कि गेम खेलने में किसी ऑथराइज्ड कीबोर्ड या माउस का इस्तेमाल करना जो कि क्राफ्टन कंपनी के नियमों के खिलाफ है, जैसे कि अकाउंट को हमेशा के लिए वायर लगा बैन करने के लिए एक सूची जारी की गई है, माउस के साथ खेलो, ये सब नहीं करना। लॉगिन करते हैं तो गेम हमारा नंबर लिया जाता है और हमारे नंबर पे फिर ओटीपी सेंड की जाती है। भाई अजीब लग, मैं आपको बताना चाहूंगा, सारे लोग हैं जो माउस से खेलना चाहते हैं, इस नंबर से जैसे जॉयस्टिक से खेलते हैं, आपके फोन में इस समय जो नंबर अवेलेबल है उससे आपने अगर अकाउंट बनाई है, चलते अपने तीसरी बात की तरफ। वो नंबर तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, तो आप दोबारा उस नंबर से जी या बैटल ग्राउंड मोबाइल दूसरी टीम के प्लेयर का दूसरा अकाउंट मारना नहीं कर पाएंगे। करना जैसे तो कि मैं आपको बता दूं, सही तरीके से खेलना अगर आप बैन होने से कंपनी की नई पॉलिसी है नंबर को दोबारा बचाना चाहते हो, ठीक है, जैसे आप खेल रहे हो अपनी टीम में, जैसे आपकी टीम में अपनी चार के स्क्वाड फोटो पर कोई आपत्तिजनक फोटो लगाना या किसी पर्सनल प्लेयर को मारने पर यूज किया जा सकता है, ये भाई आपको 90 दिनों के लिए गाली आईडी को भेदभाव करना पे मजबूर कर देगा। और यूज करना मैं बताऊं कि इस गेम में हैक भाई अगर हैकर जो है हैक का यूज करते हैं और उनकी आईडी पे रिपोर्ट चली गई करके भाई उनको खेल रहे हो, हम जानते हैं कि पबजी मोबाइल में 100 ईयर्स के लिए बैन किया जाता था, लेकिन बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के लिए आपकी आईडी को जो हैकर है उनको ये बताऊं कि ऐसा क्यों है, बैन कर दिया जाएगा। आप चार स्क्वाड में हो, ये चीज मेरे को बहुत गजब लगी यार, क्योंकि भाई खेलो उसमें मैंने देखा था पबजी मोबाइल में, मेरे साथ हुआ था पबजी मोबाइल में और टीम में, लेकिन हैक के साथ भाई हैकर जो चाहते हो कि नहीं मेरा टाइम खेल बचा रहे और उसका वाला टीममेट को मार दिया जाए, ऐसा करने पे अगर आपको रिपोर्ट
भैया की आपकी आईडी पे, उसे मार रहे हो दीवार के आर पार हो सकते हो, तो हाइट का ध्यान रखें और गाड़ियों को उड़ा रहे बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर स्क्वाड के साथ खेल रहे हो तो स्क्वाड के साथ इन्होंने भाई रूल लगाए, ये बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई, आपको भी अच्छा लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि यार वीडियो पे अभी अभी या मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, क्योंकि मेरी वीडियोस भाई बहुत बुरा लगता है कि आप केवल देखते और देख के चले जाते हो। मैं आपको बताऊं इस हफ्ते की मेरी जो रेटिंग है वो भाई 90% लोगों ने अनसब्सक्राइब, मतलब जो 90% लोग हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरी वीडियो देख के चले गए हैं, और भाई बहुत बुरा लगता है कि यार 90% लोगों ने मेरी वीडियो देखी और मेरी वीडियो को भाई लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया। भाई मैं ऐसे ही बैटल ग्राउंड और पबजी से रिलेटेड गजब गजब की बातें और गजब गजब की न्यूज़ आपके लिए लाता रहूँगा, आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, भाई बहुत मेहनत करता हूँ, इसलिए कहता हूँ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो यार, क्योंकि तुम्हारा एक सब्सक्राइब तुम्हारे भाई के लिए या हमारे वीडियो के कंटेंट के लिए बहुत कहते हैं मोटिवेट करता है भाई, तो यार लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।